हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं निखिल श्रीवास्तव, आपका फिजिक्स का मेंटर। मैं आज आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के बारे में और आगे पढ़ाऊंगा। पिछले सेशन में, पिछले वीडियो में हमने मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा था, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा था और उस मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था। और मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे ड्रॉ करें, उन दो मेथड्स के पढ़ा था हमने। ठीक है, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? जब भी हमारी करंट फ्लो करती है किसी कंडक्टर से, तो हम ये जानते हैं कि उसमें क्या होता है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। क्या होता है कि वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है वो करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो जब भी करंट फ्लो होती है हमारे किसी कंडक्टर में, वो क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। 1820 में एक साइंटिस्ट थे, एक ओरेस्टेड, उन्होंने इसके बारे में पता किया था। उन्होंने ही पब्लिक में इस चीज को बताया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, और मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ही हम अपने इलेक्ट्रिक मोटर्स, एसी जनरेटर्स, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। क्योंकि जब मैग्नेटिक इफेक्ट हमारी ज़्यादा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, जब मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करती है, तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हम उसे कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल फोर्सेज में, और मैकेनिकल फोर्सेज में इन सब चीज़ों की ज़्यादा हम लोग को हेल्प हो जाती है इन अप्लायंसेस से। ठीक है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि लेट अस सपोज ए बी है, ए बी एक हमारा क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, एक हमारा कंडक्टर है ए बी, जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो प्लेस्ड है। ठीक है, ऐसे प्लेस्ड है कि पॉइंट ए इज एट नॉर्थ डायरेक्शन एंड पॉइंट बी इज एट साउथ डायरेक्शन। इसको हमने कनेक्ट किया एक वायर से, देखिए बैटरी लगाई है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज हेयर एंड नेगेटिव टर्मिनल इज हेयर, स्विच लगाया है। अभी वो क्या है, ओपन स्विच है। क्या है, ओपन स्विच है। फिर क्या किया, बगल में एक मैग्नेटिक कंपास रखा। अच्छा, क्या होता है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड में हम मैग्नेटिक कंपास को लेकर जाते हैं, तो क्या होता है, उस मैग्नेटिक निडल, जो मैग्नेटिक कंपास में मैग्नेटिक निडल होती है, वो डिफ्लेक्ट होती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। तो अगर हमारी मैग्नेटिक निडल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो रही है, दैट मींस देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि अभी ये क्या है कि ये ओपन सर्किट है, तो इसमें करंट फ्लो अभी नहीं हो रही है। ठीक है, अभी इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है, मैग्नेट का निडल देखिए अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। क्या करेंगे हम, यहां पर स्विच को हमने क्लोज कर दिया। क्या कर दिया, स्विच को हमने क्लोज कर, दैट मींस ये क्या है, क्लोज सर्किट हो गई। अब क्या हो गई, क्लोज सर्किट। और जैसे ही क्लोज सर्किट हुई, द फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। मतलब ये यहां से फ्लो हुआ और इस कंडक्टर में आता है। देखो, ए बी कंडक्टर में आया करंट और फिर यहां से इस स्विच में गया और फिर वापस आया। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्जेस हुआ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हुआ। जैसे ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, हमारा जो मैग्नेटिक कंपास होता है उसका निडल डिफ्लेक्ट होने लगता है। अब जब मैग्नेटिक निडल जो है, इट स्टार्टेड डिफ्लेक्टिंग, दैट मींस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन है कि हाउ द इलेक्ट्रिक करंट, द इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड इन द कंडक्टर। ठीक है, तो यहां से हमें यह पता चला कि कैसे हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो इलेक्ट्रिक कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर, इस बारे में पता चला। अच्छा, अभी क्या है कि ये हमारी डायरेक्शन फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल हो रही है। ठीक है, देखो पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, नेगेटिव टर्मिनल नीचे है, रिफ्लेक्शन इस तरफ हो रहा है, लेट अस सपोज उस तरफ ही हो रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, अगर इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया हमने, अगर हमने बैटरी के कनेक्शंस का डायरेक्शन चेंज कर दिया, फ्लो ऑफ चार्जेस का जो कनेक्शन है वो चेंज कर दिया, तो क्या होगा, तो क्या होता है, दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तब करंट किधर से फ्लो करेगी, तब करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे ही फ्लो करती, यानी कि ऐसे जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो हमारा निडल पहले जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा था, अब वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, अगर पहले इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा था, तो अब क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा वो। तो इससे हमें ये पता चला, बाय रिवर्सिंग द चार्जेस, बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ अ बैटरी और बाय रिवर्सिंग द स्विचेस ऑफ अ बैटरी, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन चेंज द डिफ्लेक्शन ऑफ द
मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास में जो डिफ्लेक्शन होता है वो भी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में होने लगता है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला। अब अगर हमें ये पता करना है कहीं कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है क्या, कोई लाइव कंडक्टर ऐसा रखा जिसमें करंट पास हो रही है, अगर हमें डिटेक्ट करना होता है तो क्या करते हैं, मैग्नेटिक कंपास को लेकर कहीं सर्च करते हैं। अगर डिफ्लेक्शन आया दैट मींस क्या हुआ कि वहां पर कहीं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, दैट मींस वहां कहीं कोई कंसील्ड कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। इज इट क्लियर? अब हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड्स पैटर्न्स, जो हम मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। देखो क्या होता है, जो हमारी करंट कैरिंग कंडक्टर होती है उनके शेप्स पर भी हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है वो डिपेंड करता है। ठीक है, उसी के बारे में पढ़ेंगे अब हम। देखो, द फर्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस्ड बाई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। फर्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर CCC। ठीक है, सेकंड इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर लूप। जैसे हमारा कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ऐसे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ऐसे ही सर्कुलर लूप में क्या पैटर्न बनता है, अगर सर्कुलर लूप में हम इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो को जनरेट करें तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में या किस पैटर्न में अपने आप को अरेंज करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम, सर्कुलर लूप, दैट इज ऑल्सो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। थर्ड इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगा, अभी क्या जान लीजिए। सोलेनॉइड मींस अगर हम ऐसे इसको किसी करंट कैरिंग वायर को एक सर्कुलर लूप में कनेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं, एक कॉइल बना देते हैं तो उसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, अभी हम किस बारे में बात करेंगे, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स, देखो क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है इसमें। देखो, जब भी हम देखो हमने क्या किया कि एक हमने कार्डबोर्ड लिया और इसके सेंटर से एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पास किया। देखो ये सेंटर है इसका, यहां से हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक कंडक्टर लगा दिया। अभी उसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, उसको भी बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे एक हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा, एक हमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा। देखो ध्यान से, हमने स्विच लगाया है, दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। करंट कैसे फ्लो करती है, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे ही तो यानी कि ऐसे आएगी करंट, नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है करंट, किधर जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो जब एक्सपेरिमेंट हमने जब एक्सपेरिमेंट को किया, एक इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे लगाया और इसमें बैटरी से कनेक्ट किया, तो क्या होता है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं वो क्या होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती हैं। क्या होती हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये कैसे पता चला हमें, हमने क्या किया, आयरन नेल्स लगा रख दिए, स्प्रिंकल कर दिए आयरन नेल्स और वो खुद को एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज कर लिए। तो इस बात से हमें एक ये रिजल्ट मिला, हमें ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला कि जब भी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसी होंगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में मिलेंगी। ठीक है, और क्या होगा, इसकी डायरेक्शन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, उसको हम पता करेंगे। एक काफी इंपॉर्टेंट हमें एक रूल के बारे में बताया गया, एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उन्होंने एक दिया था राइट हैंड थंब रूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल।
अकॉर्डिंग टू दिस रूल, देखो ये दिख रहा है साफ साफ, देखो क्या होता है कि ये रूल ये कहता है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि लेट अस सपोज यू आर होल्डिंग द करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट द डायरेक्शन ऑफ योर थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट. देखो मैंने राइट हैंड में ये मार्कर लिया है, लेट अस सपोज दिस इज द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये मैंने अपने राइट हैंड में ऐसे पकड़ा और थंब की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है. इस डायग्राम में देखिए करंट की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, ठीक है. तो जब भी अपवर्ड डायरेक्शन होगी करंट की तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगे वो हमारे जो फिंगर्स इनसर्कल कर रहे हैं इस कंडक्टर को उस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी उस डायरेक्शन में होंगी जिस डायरेक्शन हमारी ये फिंगर्स इनसर्कल कर रही हैं. सो दैट मींस दे विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है. तो जब भी हमारी करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, जब भी हमारी करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी एंटी क्लॉकवाइज. क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है. इज इट क्लियर? ऐसे ही मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल को हम मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल भी कहते हैं. कॉर्कस्क्रू रूल, कॉर्कस्क्रू रूल क्या होता है? आपने कॉर्क देखा होगा, बॉटल उसमें फिट रहता है तो उस कॉर्क को निकालने के लिए कॉर्कस्क्रू आता है, वो इस शेप का रहता है, ऐसे ऊपर टी जैसा बना रहता है, ठीक है. और एक स्पाइरल जैसी शेप बनी होती है यूं कुछ, ठीक है. तो जब इसे हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ऐसे जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन करता है. क्या करता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन करता है और उसमें कॉर्क को फिट करके निकाल लेता है, यही करता है ये. तो लेट अस सपोज ये हमारा जो कॉर्क स्क्रू रूल है वो ये कहता है कि जब भी जिस डायरेक्शन में हम उसे घुमा रहे हैं, ठीक है, अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लेट अस सपोज दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे जा रहे हैं वो हमारे इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है. तो ये हमारा कॉर्क स्क्रू है वो किस डायरेक्शन में घूमेगा? क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है. वो क्लॉकवाइज घूमेगा तभी वो नीचे जाएगा. दैट मीन्स दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. सो दिस इज द जस्ट अपोजिट ऑफ द रूल दैट हैज बीन गिवन अर्लियर. जो पहले बताया था हमने थंब रूल जो बताया था उसका जस्ट अपोजिट है ये. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर करंट हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, अगर करंट इज फ्लोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन देन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये बात समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल है. जब भी हमें डायरेक्शन पता करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, हम सपोज करेंगे कि ये हमारे हाथ में क्या है, कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको हमने राइट हैंड में अपने होल्ड किया हुआ है और जो हमारा थंब है वो बताता है कि करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है. करंट का फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है. दैट मीन्स जो हमारी फिंगर है वो ये हमें बता रही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन क्या है, वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है. जब भी इलेक्ट्रिक करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी. जब हमारी डायरेक्शन नीचे डाउनवर्ड हो जाएगी तो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा. इतना सा सिंपल सा ये हमारा रूल है. तो हमें ये पता चला कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स में फ्लो करेंगी बनेंगी तो वो क्या होंगी? कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगी. सिंपल, ठीक है. और डायरेक्शन के बारे में पता करना है तो हम मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल लगा देंगे तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि उसका डायरेक्शन क्या है जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक. अब देखो जो हमारी मैग्नीट्यूड होती है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में वो किन चीजों पे डिपेंड करती है? अब जैसे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर है, उसको मैंने लगाया, बैटरी से कनेक्ट किया, तो जब मैग्नेटिक फील्ड वहां जनरेट हो रही है तो उस मैग्नेटिक फील्ड का कुछ मैग्नीट्यूड होगा. तो वो मैग्नीट्यूड किन चीजों पर डिपेंड करता है उसके बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट इज द करंट, कितनी हम करंट सप्लाई कर रहे हैं. तो जो उसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट दैट इज सप्लाइड. दैट मींस जितनी ज्यादा करंट हम सप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी.
ठीक। तो इससे हम मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर हमें ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स चाहिए, हमें ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स चाहिए तो हम करंट की सप्लाई कम ज्यादा कर देंगे, कम चाहिए तो हम कम कर देंगे करंट को। सेकंड इज द, अगर किसी पॉइंट पे हम चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड पता करना है, अगर किसी पॉइंट पर हम चाह रहे हैं कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी है, तो दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर किसी पॉइंट पर हमें मैग्नीट्यूड पता करना है मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ठीक, यानी कि जितनी हम ज्यादा आगे बढ़ते जाएंगे मैग्नेटिक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से, जितना दूर हटते जाएंगे हमारी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होती जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। ये बात समझ में आई, ठीक है। सेकंड इज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। सेकंड इज मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप क्या होता है? कुछ नहीं होता है, एक सर्कल के शेप में हम कंडक्टर को लगा देंगे, वही सर्कुलर लूप होता है, और क्या, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस थोड़ी है। देखो ये हमारा सर्कुलर लूप है, ठीक है, ये हमारा सर्कुलर लूप है। हमने क्या किया, इसके बीच में एक बना लगा दिया ऐसे कार्डबोर्ड, ये क्या लगा दिया, कार्डबोर्ड, ठीक है। ठीक, अब देखो ध्यान से, इसमें कार्डबोर्ड लगा दिया है, यस, ठीक, ये हमारा कार्डबोर्ड है, ये हमने इसमें प्लेस कर दिया है, यस। अब इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। करंट कैसे फ्लो करेगी, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे करंट आके फ्लो करेगी। इसमें क्या होता है, हमने एक सर्कुलर लूप लिया, उसको इससे कनेक्ट किया है, अपने बैटरी से कनेक्ट किया है, ठीक है। यहां पे करंट कैसे फ्लो करेगी, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, एंड हमें क्या मिलेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी प्रोड्यूस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दैट विल बी सर्कुलर ऑन द बोथ द पोल्स, जो इसके जहां जहां कनेक्ट होंगे ये, वहां पर ये कंसेंट्रिक सर्कल्स मिलेगी, और जैसे जैसे ये दूर होते जाएंगे इनकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, एंड इन द सेंटर, सेंटर पे क्या मिलेगा हमें, जो हमारी सर्कल्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो क्या मिल जाएगी हमें, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी हमारी, स्ट्रेट हो जाएगी, कुछ इस तरह से, ठीक, देखो ऐसे, ये ऐसे आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, देखो यहां पे अपवर्ड डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है एंटी क्लॉकवाइज, यहां डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। अभी बताया था मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, ठीक। तो जब भी हमारी करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसी होगी, सर्कुलर लूप में होगी, क्या होगी, सर्कुलर लूप, जब सर्कुलर लूप में करंट फ्लो करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी कुछ इस तरह से बनेंगी, ठीक है। सेंटर में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जब हमारी करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। जब हमारी करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो हमारी करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। फिर यही चीज है कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी है, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो किन चीजों पर डिपेंड करेगा। सो द फर्स्ट इज द सप्लाई ऑफ करंट। जितनी ज्यादा हम करंट सप्लाई करेंगे उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, मैग्नीट्यूड होगी मैग्नेटिक फील्ड की। एंड सेकेंड इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जो हमारा सर्कुलर लूप बना रहे हैं, जितना ज्यादा बड़ा बनाएंगे उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी,
मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जितनी कम रेडियस रहेगी उतनी ही ज्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड रहेगी। दैट मीन्स इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप। इज इट क्लियर नाउ? अब देखो, अब हमें डायरेक्शन, हम ये कैसे पता करेंगे कि नॉर्थ पोल किधर है साउथ पोल किधर है सर्कुलर लूप में, कैसे पता करेंगे? इसको पता करने के लिए एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं क्लॉक फेस रूल। क्या बोलते हैं? क्लॉक फेस रूल। बहुत ही सिंपल है, उसमें बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं है। उसमें क्या होता है कि हमें ये देखना करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। लेट अस सपोज हमारी करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, अगर हमारी करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, लेट अस सपोज दिस, इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो दिस फेस इज द साउथ पोल, दिस फेस इज द साउथ पोल, ठीक है, दिस फेस इज द साउथ पोल। एंड जस्ट अपोजिट, अगर हमारी करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, अगर हमारी करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, सो दिस फेस इज द नॉर्थ पोल, इसी का अपोजिट। तो अगर हम नॉर्थ पोल से कोई चीज देख रहे हैं, तो अगर हम सर्कुलर लूप देख रहे हैं कि सर नॉर्थ पोल है, तो इसका अपोजिट क्या होता है? साउथ पोल होता है। तो इस चीज को बहुत ही ध्यान से अपने आप रिवाइज कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से, कभी भूलना मत इसे। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड। ये समझ में आ गया, दिस फेस इज द साउथ पोल एंड द अपोजिट ऑफ दिस फेस इज द नॉर्थ पोल। कैसे होता है? सिंपल बताया, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो दैट इज द साउथ पोल, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल है। सो इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करता हूं, और आपसे मैं यही होप करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड, सोलेनोइड के बारे में जानेंगे कि क्या होता है सोलेनोइड, और ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, ठीक है, और परमानेंट मैग्नेट और टेम्पररी मैग्नेट के बीच में हम लोग डिफरेंस भी देखेंगे। सो थैंक यू क्लास।